हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 साउंड, क्लास 11 फिजिक्स का है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है। साथ ही सीबीएसई के भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं जो है बेसिक फंडामेंटल्स कवर करूंगा। सो यहाँ पे आप टॉपिक कवर देख सकते हो कौन सा है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड साउंड जो आप क्लास 9 और 10 से भी पढ़ते आ रहे हो, वो चीज़ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप्स ऑफ वेव्स कितने हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में जानेंगे विद डिटेल इमेज और प्रूफ के साथ। जहाँ पे हम फिगर एनालाइज करेंगे, समझेंगे डोपलर इफेक्ट वगैरह, वो सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बेसिक जो हमारा पहला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप के वेव्स यानी तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन टाइप्स है? पहला है मैकेनिकल वेव्स। ये हम पढ़ते हैं, है क्या, डेफिनेशन क्या है इसका। द वेव इज सेड टू बी मैकेनिकल इफ़ अ मटेरियल मीडियम इज एसेंशियल फॉर इट्स प्रोपगेशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ वेव्स आर वाटर वेव्स, वेव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, सिस्मिक वेव्स, साउंड वेव्स एक्सेट्रा। साउंड वेव्स जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव में ही आता है। यहाँ पे कभी आपने देखा होगा, जब आप पानी में या समंदर में कहाँ पर भी अगर आप जो है पत्थर फेंकते हो, तो वहाँ पे जो वेव जनरेट होता है, वो जो वेव है वो भी एक टाइप का मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। अगर आप एक फनल ले लीजिए या फिर एक कोई बड़ा सा माइक ले लीजिए, अगर आप उसमें से साउंड पास करते हो, फ्रीक्वेंसी होता है उसमें जो एक वेवलेंथ के तहत जो है वो ट्रैवल करता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस आर जनरेटेड ड्यू टू पीरियोडिक वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक वेव्स, जब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है ये जो है पीरियोडिक वाइब्रेशंस के तहत जो है ये पैदा होता है यानी जनरेट होता है। दिस वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू मटेरियल मीडिया, हाउएवर मटेरियल मीडियम इज़ नॉट असेंशियल फॉर दिस प्रोपगेशन। यहाँ पे अगर मैं एक बात बता दूँ, शॉर्ट टर्म्स में आपको बता दूँ, अगर आप एक कॉपर वायर ले लो, मान लीजिए ये कुछ है, इसके अंदर जो आप मटेरियल देखते हो, एक्चुअली ये मटेरियल मीडियम है उसके लिए, जहाँ पे जो है फ्लो ऑफ करंट होता है। यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे अगर एम्पियर जो है आपका, अगर मैं करंट की बात करूँ, वो फ्लो हो रहा है विद इन एक मटेरियल मीडियम, यानी जो आप ये वायर देख रहे हो, कॉपर का वायर है या जो भी आप समझ लीजिए इसमें, ये भी एक वेव्स के थ्रू ही जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जो वर्किंग हो रहा है वो भी एक वेव के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट है मैटर वेव्स, देर इज़ ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ इन मोशन, सच अ वेव्स आर मैटर वेव्स, दिस आर स्टडीड इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, मैटर वेव की अगर मैं बात करूँ आपको, तो मान लीजिए अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हो, सपोज कीजिए, एक्सप्रेस ट्रेन जो है और उसके आजू बाजू का जो एरिया है, ट्रैक के जो आजू बाजू का पाथ है, तो जब एक्सप्रेस ट्रेन पास होती है तब आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, अगर आप बहुत ही नियर बाय नज़दीक हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ट्रेन जो है पास ऑन होगा, तो वहाँ पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव एक जनरेट होगा, जो एक एयर मीडियम है, मतलब आपको जहाँ पे जो वेव होगा वो कुछ पार्टिकल्स को वो सेम डायरेक्शन में कैरी करेगा, यानी फोर्सिबली वो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द वेव। तो जैसे मैंने बताया, मैं बेसिक पार्ट पूरा कवर करूँगा। कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वो देखने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे इस डायग्राम को। तो ये डायग्राम को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है यहाँ पर, और एक साइनोसोइडल वेव है यहाँ पर, या नॉर्मल वेव समझ लीजिए, जो एक ज़ीरो यानी कि एक ओरिजिन या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और एक कुछ पॉइंट उसका मैक्सिमम पॉइंट है, वापस जो है वो आकर ग्राउंड पे टच हो रहा है और नेगेटिव साइड में जाकर सेम हाइट में, इस तरीके से इसका कुछ ये जो है प्रोग्रेशन है। तो हम समझते हैं, सबसे पहला टर्म हम समझेंगे यहाँ पर एम्पलीट्यूड।
सो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मोशन इज़ द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन. इट इज़ मेजर्ड इन मीटर SI यूनिट. सो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मोशन क्या होता है? एक सबसे लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल होता है. मान लीजिए अगर ये जो वेव आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ पर, सो यहाँ पे जो भी आप एक डिस्टेंस या पाथ ट्रैवल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है उनका डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि है रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है यहाँ पर और जो है उसका फाइनल पोजीशन तक वेव मतलब प्रोपगेट करते हुए वहाँ पर पहुँचता है फाइनल पोजीशन तक. सो वहाँ पे सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया अभी एम्पलीट्यूड में जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये पॉइंट पे जो आप देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट तक एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज होगा. तो इसी को हम जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड बोलते हैं. जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ये जो है एम्पलीट्यूड है. सो अगला है वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है? दो सक्सेसिव पार्टिकल्स जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं. ये सारी कॉमन और बेसिक चीज़ें जो आपको पता है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन यानी मैं ये भी कह सकता हूँ, इन सेम स्टेट ऑफ मीडियम भी बोल सकता हूँ. जहाँ पे आप देख रहे हो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे जो है, या फिर आप इसकी भी बात कर सकते हो, तो ये भी एक वेवलेंथ हो गया यहाँ पर. तो सेम मीडियम में होना चाहिए, सेम स्टेट में होना चाहिए. अगला है टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज टाइम पीरियड पीरियड टी ऑफ द वेव. तो टाइम पीरियड तो आप नॉर्मली भी बोल सकते हो. अगर मैं कोई भी एक नोड की बात करूँ, यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये नोड है, ये वाला पॉइंट जो है इसको हम एंटी नोड्स बोलते हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में. सो ये एंटी नोड्स है. तो अगर मैं एक स्पेसिफिक नोड से अदर एंड तक की बात करूँ तो वहाँ पे कितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे. तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला जो है हमारा डबल पीरियडिसिटी. सो डबल पीरियडिसिटी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली डबल हो जाता है, तो मैं बताता हूँ कैसे. सो वेव्स पोजेस डबल पीरियडिसिटी एट एवरी लोकेशन. द वेव मोशन रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस इट इज पीरियडिक इन टाइम. So similarly at any given instant the form of wave repeats at equal distance, hence it is period in space. In this way wave motion is doubly periodic phenomenon, period in time and periodic in space. So यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दो same अगर ये जो आप portion देख रहे हो जहाँ पर ये जो diagram है high frequency wave का या low frequency wave का, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो wave motion है जो repeat करता है itself. तो एक जो progressive wave की अगर मैं बात करूँ sinusoidal wave है, तो वो भी क्या होता है डबली पीरियोडिसिटी, तो वो डबल द एम्पलीट्यूड हो जाता है, वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो जाता है. तो ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे जो है अपने डिस्टेंस को रिपीट करता रहता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? डबली पीरियोडिसिटी बोलेंगे. सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी आपको बताऊँ तो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर डायग्राम में, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग ईच सेकेंड. तो ईच सेकेंड में जो वाइब्रेशन हो रहा है जो पार्टिकल के जरिए हो रहा है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सो फ्रीक्वेंसी किसका है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का है. तो यहाँ पे जो देख रहे हो आप ये पीरियड है हमारा, राइट है. एक सक्सेसिव पार्टिकल से दूसरे सक्सेसिव पार्टिकल में जो वेवलेंथ है उसी को ट्रैवल करते हैं, वो टाइम ऑफ पीरियड होता है यहाँ पर. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल होता है. रेसिप्रोकल यानी अगर मैं टाइम पीरियड बोलूँ तो ये दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो टी इक्वल्स टू 1/n मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, या तो फिर n इक्वल्स टू 1/t. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्या है. सो नेक्स्ट है वेलोसिटी. सो वेलोसिटी भी आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट है. तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें डिस्टेंस की बात, तो जैसे आप जो देख रहे हो यहाँ पे जो ये पार्टिकल है यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होता है, वैसे ही सेम उसका जब रिपीट हो रहा है और वो सेम हाइट पे नेक्स्ट वेव में आ रहा है, नेक्स्ट वेव यानी जो है नेक्स्ट सक्सेसिव पार्टिकल पे आप उसका जो है वेवलेंथ देख सकते हो यहाँ पर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे किससे? ये लाइन यानी वेवलेंथ से. सो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. सो वी इक्वल्स टू लैम्ब्रा टी, ये तो आपको यहाँ से
समझ में आ गया। और मैंने जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया 1/T क्या होता है, यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि n, सो v इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो आपको समझ में आया यहाँ पे जो है लैम्बडा अपॉन टी को हमने के 1/T को रिप्लेस कर दिया और 1/T को सब्सटीट्यूट किया तो हमें क्या मिला, v इक्वल्स टू n लैम्बडा। सो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वे। सो सबसे पहले ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो प्रोग्रेसिव वे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो इतना अगर मैं आपको ऐसा बता दूँ लाइन ड्रॉ करके, सो यही डायग्राम पे आप फोकस करिए तो आपको समझ जाएगा। तो ये जो आप इतना पोर्शन देख रहे हो एंड ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम होना चाहिए। टाइम पीरियड जो होता है अगर मैं वेवलेंथ की यहाँ पे बात करूँ, सो ये जो वेवलेंथ है इसमें वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए और फ्रिक्वेंसी वो भी सेम होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड आपका सेम है तो फ्रिक्वेंसी भी ऑब्वियसली सेम आएगा। सो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन दैट इज फेज चेंज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। सो यस, पार्टिकल टू पार्टिकल इस यहाँ पर मीडियम भी आपका चेंज हो रहा है यानी फेस भी आपका चेंज हो रहा है। तो इसी के साथ हम एक एग्जांपल देखते हैं और इसमें क्या गिवन डेटा है वो एनालाइज करते हैं। तो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। सो 330 मीटर पर सेकेंड आपको पता चल गया ये किसका है, साउंड इन एयर है, राइट। सो यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है इन ग्लास इज 4500 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है इन ग्लास का है। सो आपको क्या पूछा है, वॉट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड ऑफ अ गिवन फ्रिक्वेंसी इन टू मीडिया। पहली बात मैं बता दूँ v इक्वल्स टू n लैम्बडा एक एयर के लिए लेंगे, एक ग्लास के लिए लेंगे। और यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, साउंड गिवन फ्रिक्वेंसी इन टू मीडिया, मतलब कैसे करना है वो हमें रेशियो निकालना है। तो लैम्बडा एयर अपॉन लैम्बडा ग्लास, यानी यहाँ पे क्या करना है हमें, रेशियो पूछा गया है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछा है। तो एयर का क्या है 330 अपॉन 4500, तो जो भी आंसर आता है वो आपका होगा यहाँ पे रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड विद इन टू मीडिया। तो समझ गए, तो आगे चलते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे आपको जो है प्रोग्रेसिव वेव का जो है आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पाई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, सो ये हम समझेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग, बेसिकली अगर मैं इसको साइनोसोइडल वेव बोलता हूँ या एक प्रोग्रेसिव वेव की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है। तो ग्राफ इक्वल्स टू ए साइन के एक्स, क्योंकि साइनोसोइडल है तो यहाँ पे रेशियो ट्रिग्नोमेट्री कौन सा आएगा, साइन आएगा, कांस्टेंट के है और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे है सो के एक्स है। और ए जो है आपका यहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, बेसिकली ये डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे वेवलेंथ की बात हो रही है। सो यही सेम चीज़ निगेटिव भी हो सकता है अगर आप जो है अबव एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, यानी यहाँ पर पॉजिटिव है तो डाउन साइड के लिए नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर अगर आप इक्वेट करोगे तो जैसे ये वाला इक्वेटिंग टर्म आपको दिख रहा है तो आपको फाई का जो वैल्यू है वो पाई मिल जाएगा। सो अगर मैं इसको, अगर वाई को अगर एक्स और टी के टर्म्स में बोलूँ, एक्स एक्सिस और टी के टर्म्स में, सो हमें क्या मिलता है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। सो मैं आपको बता दूँ ए के ओमेगा और फाइव जो है वो कांस्टेंट है, इतना आप समझ गए होगे कि जो है एक नंबर वैल्यू है। सो हमें क्या देखना है, अभी जस्टिफिकेशन देखना है कि कैसे इसको आप जो है जस्टिफाई कर सकते हो। सो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव, ये किसका हो गया, वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा टी। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है, ये वाला अंदर का जो टर्म है वो कॉन्स्टेंट है। सो यहाँ पे जो है टी इक्वल्स टू टी नॉट मिलेगा विद द फंक्शन ऑफ एक्स इन साइन वेव। तो यहाँ पे जो फिक्स लोकेशन है एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, सो फिक्स लोकेशन की अगर बात करूँ एक्स एक्सिस पे तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट होता है। तो आप जो है इसको यहाँ पे देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो ए साइन के एक्स नॉट माइनस ओमेगा टी, बेसिकली क्या किया है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है। तो आपका जो मेन टर्म है वो क्या है यहाँ पर, ए साइन कॉन्स्टेंट माइनस ओमेगा टी। सो अंदर का जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है माइनस ओमेगा टी। सो के एक्स प्लस फाइव वाला जो टर्म था वो आपने देखा के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वाला यहाँ पे जो अबोव इक्वेशन में है। सो ए साइन के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट था, और अगर मैं बात करूँ फिक्स लोकेशन की तो ए साइन कॉन्स्टेंट माइनस ओमेगा टी। सो डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स और एक्स नॉट जो है वो यहाँ पर वेरी करता है, राइट।
सो अगला जो है हमारा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव. सो प्रोग्रेसिव वेव जो है दो टाइप का है, ट्रांसवर्स वेव. सो द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डिरेक्शन परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर टू द डिरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. तो जैसे अगर मैं वाटर वेव्स बोलूँ तो वो क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव्स है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अगर जहाँ पे भी आप देखो तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अगर आप सर्कुलर फॉर्मेट में भी देखते हो तो, टू द सर्फेस एरिया ऑफ वाटर वाइल द वेव प्रोपोगेट्स अलॉन्ग द सर्फेस. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, सो द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन द पाथ ऑफ द वेव वाइब्रेट इन अ डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डिरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव विथ सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. तो यही हो गया यहाँ पर जो सेम चीज़ था. सो वेन ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू मीडियम द मीडियम इज डिवाइडेड इन टू अल्टरनेट द क्रेस्ट रीजन्स ऑफ पोजिशन डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रफ रीजन्स ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो क्रेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आप ट्रफ देख रहे हो, ये मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू. तो यहाँ पर होल्ड करके रखिए आप, पहले थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं. क्रेस्ट एंड एन एडजेसेंट ट्रफ फॉर्म वन साइकिल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव. द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द वेव बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट इन द सेम फेज क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द वेव. राइट, ओके. सो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल वेव है वो भी हम देख लेते हैं एक बार. द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन डिरेक्शन पैरेलल. तो सेम चीज़ है यहाँ पे, लॉन्जिट्यूडिनल की बात करूँ तो पैरेलल है, और जो प्रीवियस में हमने देखा था वो कौन सा था आपका, परपेंडिकुलर वेव था. तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सेम है. सो ट्रांसवर्स वेव की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर है, राइट. एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव है वो कौन सा है आपका, पैरेलल है. समझ गए आप यहाँ पर. सो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फटाफट. ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम अलॉन्ग द पाथ ऑफ वेव वाइब्रेट इन डिरेक्शन पैरेलल, सेम हो गया. व्हेन लॉन्जिट्यूडिनल वेव पासेस थ्रू अ मीडियम द मीडियम इज डिवाइडेड इनटू रीजन ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. तो ट्रांसवर्स में क्रेस्ट और ट्रफ होता है, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में क्या होगा यहाँ पर, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होगा. सो कंप्रेशन इज द रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर क्राउडेड, हाई प्रेशर जोन. तो ये याद रखना है आपको, हाई प्रेशर जोन. वाइल रेयरफेक्शन इज द रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर मोर वाइडली सेपरेटेड. सो यहाँ पे जो होता है रेयरफेक्शन में वाइडली सेपरेटेड होता है, और यहाँ पे अगर कंप्रेशन में जो होता है वो क्राउडेड होता है. सो द कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफेक्शन फॉर्म वन साइकिल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव. द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द वेव बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट हैव द सेम फेस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव. ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो हमने क्रेस्ट और ट्रफ की बात की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में. सो क्रेस्ट क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊँ पॉजिटिव वेवलेंथ की अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ और एक सक्सेसिव पार्टिकल जो है, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट पोर्शन जो देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इंटरवल में और सेकंड टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पे जो आप नोड देख रहे हो, सॉरी एंटी नोड्स जो देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या होता है हमारा, क्रेस्ट होता है. और सेम चीज़ अपोजिट साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन में हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रफ बोलते हैं. तो ये आपको क्लियर हो गया क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है यहाँ पर, राइट. सो अभी हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के लिए देख लेते हैं, क्योंकि पहले स्लाइड में पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया. मान लीजिए आपने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन डेवलप करने के लिए कुछ टाइट सी चीज़ को जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, और उसका जो आप वेव मोशन देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिए किस तरीके से वो जो है मूव हो रहा है. तो यहाँ पे कैसा वेव जनरेट होता है, एक फ्लो में होता है, फिर से धीरे होता है, फिर फ्लो में होता है. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्राउड होता है वो हमारा कंप्रेशन होता है, और जिनके बीच में गैप होता है लाइक इस तरीके से आप देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा गैप है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं. तो ये चीज़ आपकी कहाँ पे यूज़ होती है, ये यूज़ होती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में. सो कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी आपको क्लियर हो गया. अभी हम देखते हैं द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स. तो द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, सो द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव डिपेंड अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. The same medium can support both transverse and longitudinal waves which have different speed. So the speed of transverse wave की अगर मैं बात करूँ तो ये determine किया जाता है restoring force की वजह से, जो produce करता है जब जहाँ पर आपके जो specific medium जो है वो disturbance होता है वहाँ पर. So the speed है वो initial properties पर like mass हो गया, density हो गया, और medium इन सब चीज़ पर जो है dependent रहता है. So the waves produced on a string are transverse waves. In this case, the restoring force is provided by tension T in the string.
सो ये सेम चीज़ हो गया यहाँ पर. इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मास ऑफ स्ट्रिंग एम एंड इट्स लेंथ. सो द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैन बी स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय वी इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम. सो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड. सो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे लैपलेस फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का है. सो वी इक्वल्स टू लैम्बडा पी अपॉन रो दिया है. तो एम एंड वी जो है यहाँ पर वो मास एंड वॉल्यूम ऑफ एयर है. सो यहाँ पे जो आप रो देख रहे हो उसको हमने कैसे डिनोट किया है, मास अपॉन वॉल्यूम से. सो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ पे, सो मास अपॉन वॉल्यूम और ये वाला टर्म अंदर रह जाएगा लैम्बडा पी, राइट. तो बॉयल्स लॉ जो मैंने आपको लास्ट के चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सो पी वी मिल जाता है. इसको हम किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है. सो वी इक्वल्स टू अंडर रूट में आपका क्या है, लैम्बडा एन आर टी अपॉन एम आ जाता है. एन आर टी आपको पता चल गया पी वी की वजह से आया. तो यहाँ पे जो पी वी है वो हमने क्या किया है, सब्सटीट्यूट किया है. तो यहाँ पे जो लैपलेस फार्मूला है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, साउंड इन एयर का फार्मूला लिखते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, सो स्पीड इक्वल्स टू, जैसे हमने ये एक पहला वाला देखा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वैसे ये दूसरा फार्मूला है लैपलेस के लिए. सो यहाँ पे लैम्बडा पी अपॉन रो है, एसआई यूनिट वगैरह सब सेम ही है. तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका, यहाँ पर जो है रो है. बस आपको बाद में सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब हम देखेंगे यहाँ पे. सो अगर मैं बोलूँ आपको वी इक्वल्स टू लैम्बडा आर टी अपॉन एम होल अंडर रूट में है, सो एम का मोलर मास एन इक्वल्स टू वन है, राइट है यहाँ पर. सो एन को हमने वन कर दिया एज इट इज से. तो अगर मैं यहाँ पे वी नॉट और वी की बात करूँ जो दोनों अलग अलग है, जैसे अगर ये जो स्पीड ऑफ साउंड है और अलग अलग केल्विन में टेम्परेचर में दिया है टी नॉट एंड टी. सो रो नॉट और रो क्या होगा, डेंसिटी होगा. सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, डेंसिटी ऑफ गैस आपको पता है. सॉरी ओके. सो ये जो है दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए हमने दो अलग अलग वेलोसिटी को कंसिडर किया है यहाँ पे वी नॉट एंड वी. तो यहाँ पे सब चीज़ जो है वो सेम ही होगा, बट यहाँ पे टी नॉट और टी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, राइट है. सो अगर हम इनको जो है अगर रेशियो में ले ले, रेशियो के टर्म्स में, सो वी अपॉन वी नॉट क्या मिलेगा यहाँ पे, आर टी अपॉन अंडर रूट आर टी नॉट. सो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वी इक्वल वी अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन टी नॉट. या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी इक्वल्स टू वी नॉट अंडर रूट टी अपॉन टी नॉट. सो राइट, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ओके. सो अगला हमारा एग्जांपल है यहाँ पे, द मैन शाउट लाउडली क्लोज टू अ हाई वॉल, ही हियर्स एन इको. इफ द मैन इज एट 40 meters फ्रॉम द वॉल, हाउ लॉन्ग आफ्टर द शाउट विल इको बी हर्ड. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 meters per second. तो यहाँ पे क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड वेव. सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड वेव क्या होगा, ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मैन टू वॉल, राइट. सो 2 × 40 = 80 हो गया. सो अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. बेसिक फार्मूला है, आपको बाद में क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है आपको आंसर आ जाएगा, सिंपल था. सो यहाँ पे देख रहे हो आप, अभी हम बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट की. सो डॉपलर इफेक्ट जो है यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो बेसिकली. तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, कुछ डिस्टेंस है और कोई टाइम है. तो ये तीन अलग अलग पैरामीटर है यहाँ पर. तो हम समझेंगे यहाँ पे इस चीज़ के लिए, डिटेक्टेड व्हेन द लिसनर इज़ मूविंग एंड सोर्स इट इज़ एट रेस्ट इन द मीडियम. सो सोर्स जो है वो रेस्ट पे है और लिसनर जो है वो मूव कर रहा है. तो यहाँ पे जो सोर्स आप देख रहे हो ये रेस्ट पोजिशन पे है और लिसनर है वो मूव कर रहा है. सो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ से हमें समझना है. सो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट है. सो अगर मैं आपको ये वाला टर्म बताऊँ यहाँ से, सो डी जो है हमारा डिस्टेंस है, डी माइनस वी एल. वी एल वेलोसिटी ऑफ लिसनर और टी एल है यहाँ पे, सॉरी टी वन है, राइट. सो टी वन अपॉन वी. सो टी वन इक्वल्स टू डी अपॉन वी प्लस वी वन. सो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. सो टी वन आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा. सो टी वन जो है यहाँ पे जो है
है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी डिस्टेंस अपॉन स्पीड में हम क्या कंसिडर करेंगे, वी और वी एल करेंगे, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस देखना है, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम टी टू भी दिया हुआ है और टी इक्वल्स टू टी नॉट कंसिडर किया हुआ है। सो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड टू द रीच लिसनर इज डी माइनस वी वन टी टू। सो डी माइनस वी वन टी टू है या वी एल टी टू है, राइट। सो वी एल टी वन दिया हुआ है, और अगर आप इसकी बात करो कि लिसनर मतलब ट्रैवल बाय द साउंड टू रीच द लिसनर, सो वो वी एल माइनस टी टू, वी एल टी टू हो जाएगा, राइट। सो साउंड सेकेंड वेव ट्रैवल्स द डिस्टेंस विद इन स्पीड वी, क्या होगा वो डी माइनस वी एल टी टू अपॉन वी होगा। यहाँ पे टी वन था, डी माइनस वी एल टी वन था, और वेलोसिटी वी टू के लिए हम देखेंगे तो वो क्या होगा, डी माइनस वी एल टी टू अपॉन वी होगा। तो सेम टी टू के लिए आपने देखा यहाँ पे क्या होता है, सो टी नॉट प्लस डी माइनस, यहाँ से ही वैल्यू पिकअप करना है बेसिकली, ये आपको रिटर्न प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। यहाँ से ही मैंने वैल्यू पिकअप कर लिया, और टी नॉट जो है टोटल टाइम के लिए, यानी टी टू का जो है टी नॉट प्लस आ जाएगा, टी नॉट प्लस ये वाला टर्म। सो टी टू इक्वल्स टू, अगर आपको बस क्या करना है, नॉर्मली वी को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे आपको ये टर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, वैसे ही आप टी थ्री के लिए कैलकुलेट करोगे, टी फोर के लिए कैलकुलेट करोगे, जितना भी डिस्टेंस होगा आपका। तो फाइनल टर्म आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे ये वाला टर्म जो है। सो आप कैसे रिलेट करोगे इसको, टी इक्वल्स टू टी नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एल। सो हम इसके इसमें क्या देख रहे हैं, लिसनर जो है मूव कर रहा है, सोर्स जो है वो रेस्ट पे है, राइट। सो सोर्स रेस्ट पे है तो उसका वैल्यू नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन लिसनर मूव कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टी नॉट जो है यहाँ पे जो है वी प्लस वी एल, आपको एक मिनट समझ में आ जाएगा, वी प्लस वी एल मल्टीप्लाई बाय आपको टी करना है इक्वल्स टू यहाँ पे टी नॉट इंटू वी। सो टी नॉट इंटू वी जो है होल टाइम पीरियड बोल सकता हूँ, और आपका फुल वेलोसिटी आप पे बोल सकता हूँ, एंटायर वेलोसिटी। सो टी अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो वो क्या करूँगा, लिसनर मूव कर रहा है, सो वी प्लस वी एल आ जाएगा टर्म यहाँ पे। फिर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। सो वन अपॉन टी इक्वल्स टू वन अपॉन टी नॉट और वी प्लस वी एल अपॉन वी। सो वन अपॉन टी क्या होता है, एन होता है, आपको पता है एन इक्वल्स टू वन अपॉन टी। सो जैसे n लैम्ब्रा में अगर मेरे पास d का वैल्यू दिया हुआ है तो मुझे n का निकालने के लिए 1 अपॉन d करना पड़ता है। सो n इक्वल्स टू n नॉट अपॉन एन नॉट इंटू वी प्लस वी एल अपॉन वी। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, सोर्स जो है एक रेस्ट मीडियम में है, तो यहाँ पे सेम चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सोर्स जो है मूविंग है और लिसनर जो है रेस्ट मूविंग में। सो आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि सेम चीज़ मूव और सॉरी लिसनर भी जो है एंड सोर्स भी है, दोनों भी साथ में मूव कर सकते हैं। तो तीन अलग अलग केस है, बट यहाँ पे मैंने एक ही केस लिया हुआ है, क्योंकि ये एक केस आप समझोगे तो दोनों आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड था, डोपलर इफेक्ट की बात करूँ तो बाकी सब चीज सिंपल ही है बेसिकली। सो आप आपके फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ जो है वीडियो को शेयर करिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय।